सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेवन फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जमन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेवन फॉर यू। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सअप में अगर कोई किसी व्यक्ति ने आपको अननोन नंबर से आपको मैसेज किया, ठीक है, तो जैसे मैंने व्हाट्सअप खोल लेता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि कोई अननोन नंबर है, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, तो आप इसको किस तरह से सेव करेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है कि इस नंबर को हमको सेव करना है। सेव करने के लिए देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्री पॉइंट लिए हुए हैं। थ्री पॉइंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐड टू कॉन्टैक्ट पर हम लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए तो यहाँ पर आपके जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे तो वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर जितने भी जीमेल अकाउंट हैं वो सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर तो जिस तरह से क्या होता है कि जीमेल अकाउंट में सेव करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी जैसे हमारा ये मोबाइल है हमारा खो जाता है, तो अगर हम लोग जो जीमेल अकाउंट है, अगर हम लोग नई डिवाइस नई मोबाइल में हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट्स वो सेव रहते हैं, वो उस मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, गूगल ड्राइव के थ्रू, ठीक। इसलिए हमेशा मोबाइल अपने जीमेल में ही जो गूगल अकाउंट है उसमें अपना नंबर सेव कीजिएगा। और जो फर्स्ट नेम है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NIT और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं किरण, ठीक है, KIRAN, तो मैंने ये नंबर सेव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट नेम में जो भी लिखना हो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सेव लिखा हुआ, सेव कर दिया। अब सेव कर दिया तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो भी नंबर था वो क्या NIT किरण लिख किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें नंबर सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी क्या नंबर बन के आ रहा था, अभी इसका नाम हम लोगों ने सेव कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को मेरे केवल यही था कि आप किस तरह से व्हाट्सअप से अपने को जो कॉन्टैक्ट्स है उसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।